जनता किसके साथ में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लगातार लपकुश नगर क्षेत्र जो राजनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है वहां के मतदाताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं और यहां का जो रुझान है किस प्रत्याशी की तरफ है और इस बार जनता किसको चुनेगी और क्या मुद्दे रहेंगे इसको लेकर लगातार हम लोगों से और जो यहाँ के बुजुर्ग और युवा मतदाता हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं किया गया है, सिर्फ करा है तो लपकुश नगर में माता बम्बर बैनी में एक टील सेट का जो निर्माण कराया है, इसके अलावा कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं। क्योंकि उनका कहना है कि कभी भी इस सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में योजना आती है, यहाँ की योजना दूसरी जगह चली जाती है, मगर विधायक जी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं, इस चीज का विधानसभा में भी विरोध नहीं करते हैं। इसलिए इस बार जनता लगातार जहां भी जा रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि जो वर्तमान विधायक है उनका कार्यकाल क्या है और उनको वोट करेंगे, तो जनता लगातार वर्तमान विधायक को नकार रही है। आइए सुनते हैं क्या कहा बुजुर्ग और युवा मतदाताओं ने, आइए देखते हैं। इस बार अभी कोई क्रिया नहीं, बिंजी लाल चौधरी को विधायक चुनना है। कौन है जी बिंजी लाल? लोकुश नगर के। लोकुश नगर के जी, क्या लड़ रहे का चुनाव? हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव चलने सीधी सीधी। अच्छा, हम लोग उन्हीं को चाहते हैं वो विधायक बने। क्या है माहौल? हाथी है, हाथी हाथी की नाती हाथी। विधानसभा से भाजपा का माहौल है और भाजपा ही जीतेगी, मोदी का प्राण है, मोदी की उस हिसाब से वो अपने लोकुश नगर को जिला बनना था, इसलिए कोई विधायक आ नहीं रहा। विधायक जी आ रहे जिला की घोषित कर रहे हैं, अब तो टाइम ही नहीं है, लेकिन एक जो है हमारी शुभकामना है कि भाजपा जो है जीते और भाजपा पटे का नाम करके मोदी के लिए सब लोग मोदी के ने तीन पंचवर्षीय से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, उनके द्वारा क्या किया गया? उनके द्वारा भी काफ़ी काम हुआ है, ऐसा नहीं है, माँ बम्बर बैनी के चरणों में उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया और काफ़ी छाया बनवाई, छाया बनवाई बम्बर बैनी में। इस बार क्यों नकार रहे हो? भाजपा का शासन है और भाजपा जो है कार्य और आगे बढ़ाएगी करेगी, अब वो भर विधायक यहाँ हो जाए तो क्या करेंगे वो? यानी बात यही बहाना रहता है तो कि हमारी पार्टी नहीं है, हम क्या करें, हम क्या ना करें। यानी कि इस बार जिसकी सरकार उसका विधायक देखना चाह रहे, ऐसा क्यों जाए? ऐसा ही है, बिल्कुल सही है, मोदी के नेतृत्व में पूरा से चलेगा, मोदी ही की लहर से सभी भाजपा की सरकार बनेगी, बन रहा है भाजपा की लहर, भाजपा का विधायक बन रहा है। जो वर्तमान विधायक उन्होंने कुछ किया है बम्बर बैनी में लगवाए तीन सेट। अच्छा, और वो नहीं करोगा तूने? तो इस बार क्या चाह रहे है कि प्रदेश में जिसकी सरकार रहे वही विधायक रहे? हाँ, उससे क्या होगा? उससे विकास होगा, विकास होगा, यहाँ का स्कूल चला गया, सीएम राज स्कूल बने तो चलना चलोगे, चाहे स्कूल के भैया है ही नहीं है, यहाँ कोई कहने वाला नहीं है कि आईटीआई कॉलेज चलना चलोगे, सीएम राज स्कूल चलोगे, वन विभाग खजराव चलोगे, इधर से विभाग होम से चले जा अस्पताल में, गवर्नमेंट ने जो जनरेटर दिया था अस्पताल में वो चलना भेज दिया गया, यहाँ कुछ नहीं है क्या? लोकुश नगर जिला नहीं बन सकता क्या? लोकुश नगर जिला उसके बाद वोट। तो वर्तमान विधायक इसका विरोध नहीं करते क्या? नहीं, कोई नहीं करता, ना वर्तमान विधायक करते ना अध्यक्ष करते। दूसरी बात, पंकज पार्क में भी सब सुंदरता खत्म कर दी गई है, उसके सामने दुकानें बनवा के सब भ्रष्टाचारी मची है। पंकज पार्क में जो सुंदरता थी दुकानें बन जाएंगी वो सब खत्म है, क्या उन दुकानों की नीलामी नहीं होगी? किसको देखना चाह रहे विधायक? किसको विधायक देखना चाह रहे? हम तो ये चाहते हैं कि विधायक कोई ना हो, यहाँ से कोई ना जीते, नोटा जीते। इस बार विधायक हम उसको देखना चाह रहे हैं जो हमारे नगर के हित में काम करे और नगर का विकास करे। लोकुश नगर जिला बनाओ की मुहिम हमारी प्रचंड है, हमने अपने लोकुश नगर जिला बनाओ मंच से एक प्रत्याशी भी दिया हुआ है। यहाँ पे जो ये नेता जो आ रहे हैं बाहरी, इनने लोकुश नगर का कुछ नहीं किया, आज इनको लोकुश नगर याद आ रहा है। लोकुश नगर का पंकज पार्क जो है वो यहाँ के जो यहाँ का अध्यक्ष है जीतू खटीक, वो वर्तमान
जो इस समय पे विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं उनका गोरगा माना जाता है। पंकज पार्क की पूरी सुंदरता को नष्ट कर दिया गया, ये भी बहुत ही निंदनीय कार्य है। आप कहीं भी चले जाइए, पंकज पार्क पार्क के सामने कहीं भी आपको कहीं मार्केट या दुकान नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ की नगर परिषद ने, अध्यक्ष ने मिलकर के उस पंकज पार्क की पूरी सुंदरता को नष्ट कर दिया। क्या जिला नहीं बन सकता था? अगर बीडी साहब चाहते, सांसद महोदय चाहते, तो ये लॉ कुश नगर जिला हो जाता, लेकिन लॉलीपॉप देकर। अब इसके पहले प्रत्याशी अरविंद पटेरिया जी ने कभी अपनी बात को नहीं रखा कि जिला के पक्ष में ये रहे हों, ना इन्हें कभी सपोर्ट किया। आज कह रहे हैं जब चुनाव आ गया तो कह रहे हैं मैं जिला बना, मैं चाहे मेरा कुछ भी हो जाए मैं करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम तो उनके साथ हैं जो हमारे जिला बनाने में सहयोग करेगा, लॉ कुश नगर जिला बने, ये हमारी मांग सबसे पहले। तो आप सीटी के साथ हैं? हम सीटी के साथ हैं, प्रत्याशी है, सीटी बजाएंगे, जिला बनाएंगे, दर्ज कराएंगे। बोलो है? बीजेपी काए का करो बीजेपी ने? बीजेपी है हमारा तो। और जो आपके तो वर्तमान विधायक हैं उनने कछु नहीं करोगा? वर्तमान विधायक ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। इस बार बीजेपी कुछ निर्माण करते ही नहीं है कुछ। अच्छा, वर्तमान विधायक कोई विकास नहीं करते? कोई नहीं विकास करते। कोई भी विधायक आ जाए कोई भी विकास नहीं करता, नहीं करते। करोड़पति किसान की बोली क्या बताओ, वोट गए थे होते का है का चीज चुनाव, है का चुनाव चीज ना थे हमें बतावे, बुझलाए लोग बाग रोज तुम्हें बुलावे, दिन रात कोई दौरे पे आवे जावे, तुम भूत हमें दियो जो पाठ पढ़ावे, भैया भूत हमें तुम दियो खबर भूल ना जइयो, अरे भैया भूत हमें तुम्हें दियो लाल, तुझे यो खबर भूलना भाई, करते देखती एक बुराई, जाना बात समझ में आई मोरे स्वामी, इनका मिलने कौन मिठास, जो जे फिरत लगाए आस, जावे कर सबके पास भर दो हामी, हामी खां भरवावे कावे, पक्की बात बतइयो, ओ भड़काए से तुम काहू बातन में ना आइयो।